हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, एक कप सूजी या एक कटोरी से देखिए पूरे परिवार के लिए अच्छा सा एकदम डिफरेंट नाश्ता बन के तैयार हो गया। तो देखिए, मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी धनिया और दही। और इसकी पसंद की आप जो भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी या कोई बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो देखिए, एक बाउल में मैंने सूजी डाल ली है, उसके बाद इसमें 2-3 चम्मच इसमें दही डालना है। तो मैंने देखिए एक कटोरी या बड़े कप से भर के ले लीजिए तो उसमें 2-3 चम्मच दही हो जाता है। और प्याज वगैरह ये भी डाल देंगे तो इससे अच्छा डिफरेंट तरीके से कई सूजी से नाश्ता बहुत ही अच्छा और बहुत ही बच्चे भी जल्दी से मतलब खा लेते हैं। और देखिए, इसमें हेल्दी भी है, सारी सब्जियां भी डाल दी हैं, जो भी आपको पसंद हो सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और गाजर वगैरह ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे तो कोई सब्जी खाते नहीं हैं तो इसमें। और देखिए, मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है अभी, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालना है। और बाकी जो सब्जी हैं तो सब डाल लीजिए। और इसको सूजी को थोड़ा टाइम के लिए रखा जाता है। और देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें ये मसाला घर का बना ही हुआ है तो इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं है, तो थोड़ा सा ये डाल दिया है मसाला। आप कोई भी इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं, हल्का थोड़ा चटपटा सा अच्छा सा स्वाद आ जाता है मसाले से। और देखिए, मैंने एक बड़े कप पानी लिया है तो इसको अच्छे से मिला करके पानी से इसको ज़्यादा, अभी तो थोड़ा पानी ज़्यादा ही होता है क्योंकि इसको 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए रखा जाता है। तो इसको सूजी है जो पानी एडजस्ट कर लेगी। तो इसमें देखिए, इस तरह से मैं पूरे में अच्छे से मिला करके पेस्ट जैसा बना कर रख देंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बिना तेल का है। तो जो लोग भी तेल कम खाते हैं आजकल, तो वैसे ही तेल सभी लोग कम खाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि बिना तेल की ही रेसिपी है। आप लोग बना कर के जल्दी से तैयार भी कर सकते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं इसको, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए, 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। तो ये देखिए, 10-15 मिनट मेरे हो गए हैं। उसके बाद मैंने देखिए इडली का सांसा ले लिया है। अगर आपके पास इडली का सांसा नहीं हो तो उसमें कटोरियों में या गिलास में किसी में भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें अच्छे से ऑयल लगा दिया है सारे इडलियों में और सांसे में, और इसमें भर करके फिर देखिए इसमें बनाएंगे बहुत ही जल्दी से। और इसमें देखिए, मैंने 1/2 चम्मच के करीब मीठा सोडा लिया है। चाहे तो आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं, अगर इनो ना हो तो मीठा सोडा डालेंगे। और इसको सोडा डालने के बाद ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा जाता है, जल्दी से ही भरना पड़ता है, नहीं तो सोडे का। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से भर दूंगी पूरे में, और ज़्यादा नहीं बनना है, बस 1-1 चम्मच ही, क्योंकि अभी ये बैटर फूलेगा तो इडली भी अच्छे से फूल जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको इडली भी कह सकते हैं या सूजी का नाश्ता, क्योंकि इडली के सांसे में बन गया है तो इडली भी वो बोल सकते हैं, या तो जिसके पास नहीं है इडली का सांसा तो वो वैसे ही कटोरियों में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत जल्दी इजीली बन जाता है। तो देखिए, मैंने पूरे में भर दिया है, इधर पानी गर्म होने के लिए रख दिया। तो देखिए, पानी भी अच्छे से तेज गर्म खोल गया है, और इसको बिल्कुल सेफली से अच्छे से रख देंगे, अच्छे से ढक करके, ताकि इसकी भाप ना निकले। कोई ऐसा बर्तन इसके ऊपर ढक के रखेंगे ताकि भाप ना निकले। उसके बाद देखिए, 10 मिनट हो गए हैं मुझे, और ये देखिए स्पून से मैंने चेक करके देखा है तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो मैंने गैस बंद कर दिया है। उसके बाद इसको निकाल लेंगे, और बिल्कुल पूरा ठंडा होने के बाद ही, तो देखिए ये अच्छे से ठंडी भी हो गई हैं। और अब इसको सांसे को खोल करके सारी इडली इस तरह चाकू से या कोई चम्मच से बहुत ही इजीली तरीके से निकल आ रही हैं। देखिए, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, और जल्दी से देखिए अभी आल। और देखिए, मैंने सारी इडली निकाल ली हैं, और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मसाला सब्जी वगैरह सभी डली हैं, लेकिन मैं थोड़ा और इसको अच्छा सा चटपटा बनाने के लिए, और इसके साथ अभी एक चटनी भी बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने एक नारियल, कच्चा नारियल ले लिया है, और इसमें अदरक डाल दिया है टुकड़ा एक, और उसके बाद इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल दें, और हरी धनिया, और इसमें देखिए करी पत्ते भी डाल दिए थोड़े से, और थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, या पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं। और देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दिया है, और 2-3 चम्मच के करीब इसमें दही डाल देंगे। दही नहीं हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, तो अच्छे से खट्टा बना जाता है। और देखिए, मेरी चटनी भी बन के तैयार हो गई है, तो इसको इसमें निकाल लेंगे,
और उसके बाद इसमें फिर तड़का लगाएंगे। तो देखिए चटनी को पूरे से अच्छे से साफ़ करके निकाल लिया है पूरा। उसके बाद देखिए एक इसमें नहीं बन रहा था तो इसमें मैंने बड़े कटोरे में रख लिया है और अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो देखिए तेल गरम मैंने कर लिया है और इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। और इसमें देखिए मैंने करी पत्ता और दो हरी लाल मिर्च डाल के, क्योंकि गैस पर रख के डालते हैं तो ज़्यादा जल जाते हैं। और देखिए चटनी में मेरा तड़का लग गया है। तो देखिए मेरी नारियल की चटनी भी बड़ी हल से बन के तैयार हो गई है और इडली सूजी के नाश्ते के साथ, क्योंकि इसमें तो नारियल की चटनी या मूंगफली की चटनी ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगर नहीं बनाना हो तो इसको टमाटर सॉस के बाद साथ भी खा सकते हैं। और उसके बाद देखिए इडलियों को थोड़ा अच्छे से अभी फ्राई करेंगे। देखिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और देखिए इसमें सरसों डाल दी है, थोड़ा काली सरसों, और थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी है। हींग से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए हींग ज़रूर डालती हूँ मैं। उसके बाद इसमें देखिए थोड़ी सी करी पत्ते डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा मसाला साला भी डालेंगे ताकि देखिए इतना अच्छा से टेस्ट बनेगा। क्योंकि वैसे भी खा सकते हैं, जो लोग ऑयल नहीं खाते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। और आधी मैंने फ्राई कर ली थी और देखिए थोड़ी सी इसमें सफ़ेद वाला तेल होता है तो थोड़ा सा डाल दिया है, और थोड़ी सी ही मैंने इसमें हल्दी डाली है, 1/4 चम्मच के करीब हल्दी डाल दी है। और अच्छे से इसको देखिए हल्दी पक गई है। तो उसके बाद इडली है तो सारे इसमें अच्छे से सेफली ही रखना है ताकि टूटे ना। तो जितना इसमें बने उतना ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो पलटने में वो नहीं टूट जाएंगी। और देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें सब्जी मसाला डाल दिया है और थोड़ा इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। ज़्यादा तीखी नहीं रहती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो देखिए बिल्कुल आराम से चलाते हुए मेरी इडली फ्राई हो जाएंगी। तो बिना फ्राई की आधी बिना फ्राई कर रख ली हैं और आधा इस तरह से फ्राई कर ली हैं, क्योंकि बच्चे इतना मेरी फ्राई नहीं खाते, वो ऐसे सादा वाले ही खाते हैं। तो देखिए अब कितने अच्छा से देखने में भी अच्छी लगने लगी हैं और टेस्ट भी इसका और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये देखिए इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, कम से कम बस 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह फ्राई कर ली है तो कितनी बढ़िया से और अच्छी लगने लगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। देखिए मैंने इसको 2-3 मिनट तक ही फ्राई किया है तो पूरा मसाला इसमें अच्छे से हो गया है। और देखिए तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म इडली बिना फ्राई की है और फ्राई की हुई बन के तैयार हो गई हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कीजिए और देखिए अपने बच्चों के साथ, बच्चों को डिफरेंट तरीके से बनाइए खिलाइए, उनको बहुत पसंद आते हैं और बहुत मन से भी खाते हैं। तो देखिए मैंने आधी इडली बिना फ्राई की बनाई हुई और इस आधी इस तरह से बना ली है। तो देखिए कितनी जल्दी से बन के तैयार हो गया सूजी का नाश्ता। 1 कप सूजी में देखिए कितनी सारी इडली बन गई हैं और थोड़ा सा मेरा बैटर बच भी गया था तो मैंने रख दिया है उसको, फिर बाद में बना लेंगे, इतनी ही काफ़ी हो गई हैं। तो ये देखिए तो आप लोग विदा शाम का खाना पीना हो रहा है, उसके बाद वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है आप लोगों को, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी को बाय, गुड नाइट।